点钟。आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। एनआरसी सीएए के खिलाफ झोरिया में जनसभा की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में नेसा के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी सभा में शामिल हुए। वहीं लोगों ने एनआरसी और सीएए का जो कानून निकाला गया उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अरुण चटर्जी ने कहा कि जो नागरिकता कानून पास किया गया है जिसको लेकर पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। वहीं अरुण चटर्जी ने कहा कि एबीवीपी के नकाबपोश लोगों ने जेएनयू में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की, उन तमाम चीजों के विरोध में प्रदर्शन है। आज जो देश में स्थिति है उनका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए और देश प्रगति की ओर जाए, न कि इन समस्याओं में फंसे रहे। जरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ बैठे हैं एनसीआर एनपीआर और सीए के खिलाफ, जो हमारे भारत सरकार ने जो कानून लाया है ये किसी जात को टारगेट किया गया है। और इस टारगेट में हम लोगों को साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं। ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमको हमारे जाति पूछा जाएगा, हमारे बाप हमारे लोगों का हमारे बुजुर्गों का कहाँ पैदा हुए कहाँ नहीं पैदा हुए, ये तो बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है भारत का। और ऐसा मुझको आज ये देखना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान की आज़ादी में हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने जो हिस्सा लिया था आज वो धूल चटा रहे हैं। ये जो ताड़ी पार, ये जो जो जिसको गुजरात में 2000 लोगों को जो मर्डर किया गया, जिसको शराबुद्दीन केस में जिनको लाया गया उनको बाहर किया गया, उन लोगों की वजह से आज हमको देश से निकाला जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, हमें जेल किया जाएगा, ये कैसी दुर्भाग्य है। इसके लिए हम लोग आज बैठे हैं और हम ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे, हम लोग काला कानून खिलाफ इसी तरह धरना करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेता है, तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे और इनकलाब करते रहेंगे। अमित साहब का बाप का मुल्क नहीं है, ये अमित शाह का बाप का मुल्क नहीं, ये मोदी का बाप का मुल्क नहीं। वो गृह मंत्री है, गृह मंत्री में उनको इज्जत करता, प्रधानमंत्री में इज्जत करता, लेकिन वो मोदी का बाप का नहीं है, गृह मंत्री का बाप का नहीं, ये पूरे देश पूरे लोगों का है। सारे लोगों ने यहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी दी। आज जेएनयू में क्या किया, गुंडा राज चला रहा वहाँ के, जो यहाँ भारत का जो आने वाला जो मतलब है देश की तरक्की के लिए जो इंजीनियर डॉक्टर बन के निकलेंगे, आज उन लोगों को पीटा जा रहा। जो भविष्य है ये ना अमित शाह की भविष्य है ना मोदी की भविष्य है, और जेएनयू में मारा गया और मुस्लिम सिटी में पूरे देश में आज इसका विरोध, उसके विरोध में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में ही प्रदर्शन चल रही है। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एवं कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा, जो नकाबपोश एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू में ढूंककर वहाँ लोगों को मारपीट किया, महिलाओं के साथ मारपीट किया, उन तमाम चीज़ों के विरोध में ये प्रदर्शन है। और देश में जो स्थितियाँ पैदा हो रही है उन स्थितियों से उभरने के लिए हम समझते हैं जो पूरे देश में एक स्थिरता के माहौल आना चाहिए, ताकि आगे देश में प्रगति के और जाए और देश की तमाम समस्याओं को दूर सके कर सके, ना कि इन समस्याओं को। जो एनआरसी विशेष एक्ट ला रही है इससे लोगों को परेशानी होने की संभावना, नहीं इतने वर्षों के बाद अगर हम तमाम लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके प्रूफ करना पड़े जो हम इस देश के निवासी है, ये कानून तो सबके लिए हम लोगों को प्रूफ करना होगा, तो सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके प्रूफ करना होगा जो हम लोग इस देश के निवासी है, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो देखिए जो सिटीजनशिप रजिस्टर के विरुद्ध में कोई नहीं है, लेकिन इसमें जो तमाम चीज़ें जो किया गया जिस तरीके से आसाम में किया गया, उतने लोगों को छांट दिया गया, इन तमाम चीज़ों को लोगों की एक भावनाएं हैं, डर है जो अंदर, जो भाई हम लोगों को भी इसी तरीके से सताया जाए।